हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में, जिसे कि हम शॉर्ट में कहते हैं डीवीएम। ठीक है, डेल्विक वर्चुअल मशीन मोबाइल डिवाइस के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है, जिसका यूज हम एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो उस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जेवीएम का यूज करते थे, जावा वर्चुअल मशीन का, जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस और एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती थी। ठीक इसी तरीके से एंड्रॉयड बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, उन्हें डेवलप करने के लिए और उनके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हम डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, क्योंकि डीवीएम का यूज लो पावर्ड हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए किया जाता है, जो कि हमें थ्रेड मैनेजमेंट, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट और साथ ही साथ बैटरी मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम को देख लेते हैं हम, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि डीवीएम किस तरीके से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती हैं वो आपकी जावा प्रोग्रामिंग में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जावा फाइल्स का जो सोर्स कोड होता है उसे रेडी करते हैं। उसके बाद में जावा का जो कंपाइलर होता है वो उस फाइल को क्या करता है, कंपाइल करता है और चेंज कर देता है आपकी डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, जब वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद हम DEX कंपाइलर का यूज करते हैं, जो कि आपका डेल्विक वर्चुअल मशीन का कंपाइलर है। वो उन डॉट क्लास फाइल को डेल्विक वाइट कोड, इट मींस डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं वो जावा में लिखी जाती हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कंपाइल किया जाता है, ताकि वो क्या करें, डेल्विक वर्चुअल मशीन पे रन कर सकें। और उसके बाद में जैसा कि फिगर में शो किया गया है, आपका कंपाइलिंग और पैकेजिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है और आपकी .apk फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे DVM और JVM में डिफरेंस क्या है। आपका जो JVM है वो क्या है, स्टैक बेस्ड एक वर्चुअल मशीन है, जबकि डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो रजिस्टर बेस्ड आपकी वर्चुअल मशीन है, जिसे कि हम बोल सकते हैं ये एक ओपन सोर्स वर्चुअल मशीन है। रजिस्टर्ड बेस्ड आपकी जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो स्टैक बेस्ड वर्चुअल मशीन की कंपैरिजन में कम इंस्ट्रक्शंस का यूज करती हैं, इट मींस उन्हें इंस्ट्रक्शंस की कम आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड बेस्ड आपकी वर्चुअल मशीन है, उसको कोडिंग जो लिखी जाती है वो ज़्यादा लिखी जाती है, क्योंकि इनका यूज हम ज़्यादातर किसी भी स्टार्टअप को शो करने के लिए करते हैं। इस तरीके से हमारी जो रजिस्टर्ड बेस्ड आपकी वर्चुअल मशीन है वो स्टैक बेस्ड वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में बेहतर होती हैं। डेल्विक वर्चुअल मशीन में डेल्विक जो है आइसलैंड के एक शहर का नाम है, और डेल्विक वर्चुअल मशीन को डैन वॉन्स्टीन द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से हम डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए करते हैं। DVM द्वारा ही एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है।